इज 3 ईयर ओल्डर देन बी, ठीक है ना। जो ए है वो बी से क्या है, 3 ईयर ओल्डर है। एंड द एज ऑफ सी इज ट्वाइस डेट ऑफ बी, और जो सी की एज है वो बी की क्या है, ट्वाइस है, ठीक है। तो वॉट इज द एज ऑफ ए इफ द सम ऑफ द एज ऑफ ए बी सी इज 35। तो आपको एज बतानी है ए की क्या होगी। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जो बी है, बी की एज मान लीजिए क्या है, एक्स है, ठीक है। बी की एज क्या है, एक्स है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो आप इसमें क्या है, जो आपका सी है, ठीक है, सी क्या है, ट्वाइस ऑफ बी है। तो सी क्या है इसमें, ट्वाइस ऑफ बी है, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, और लास्ट पहली लाइन में, ए इज 3 ईयर ओल्डर देन बी। तो जो ए की एज है ना वो क्या है, 3 ईयर ओल्डर। तो एक्स प्लस क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। इनको करिए सम, ठीक है ना। इन तीनों को करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, ठीक है ना। ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये 35 के इक्वल है, ठीक है ना। इक्वल टू करिए क्या, 35 करिए, ठीक है, यहाँ 35 करिए, इसको करिए सॉल्व कर लीजिए। तो कितने x हो गए, 4x, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया, और 35 में से क्या होगा, 3 माइनस होगा तो कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है। तो 4x माइनस इक्वल टू 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 8 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 8। अब आपसे a की वैल्यू पूछी थी, तो a की एज क्या है, x प्लस 3 है। तो a की एज कितनी आ जाएगी, 8 प्लस 3 तो कितना हो गया आपका, 11। तो a की एज कितनी आ गई, 11 साल आ गई। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 11 ईयर क्या होगा, उस क्वेश्चन का आंसर होगा।